रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। अच्छा एक नंबर है उसको आप देख ले, फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर रूट ए, ये एक नंबर है, ये जो है इक्वल है इसका जो है ना ए पावर वन ओवर एन, ठीक है, ये इसके इक्वल है ए पावर वन ओवर एन। अब इसमें ये जो है एन इज कॉल्ड एंडेक्स, एन इज कॉल्ड एंडेक्स, ये एन जो है इसको हम एंडेक्स कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन, और इस ए को हम कहते हैं रेडिकेंड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेडिकल्स। नाउ नाउ वी विल राइट स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन, फोर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टू, हाउ टू टूज आर फोर, स्क्वायर रूट में से एक जैसे नंबर से एक नंबर निकलता है, ठीक है। थ्री स्क्वायर रूट इज इक्वल टू थ्री, बिकॉज थ्री थ्री आर नाइन और इन दोनों से एक निकलता है तो थ्री आता है। ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट, ट्वेंटी फाइव 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 आर है, इन दोनों से इन फाइव से एक फाइव ले ले तो फाइव इसका आंसर आता है। थर्टी सिक्स स्क्वायर रूट है तो सिक्स सिक्स आर थर्टी सिक्स, दोनों सिक्स से एक सिक्स ले ले तो सिक्स इसका आंसर आता है। अब ये तो स्क्वायर रूट है, अब अगर हम क्यूब रूट्स ले ले, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स ये है थर्ड यानी क्यूब रूट ऑफ वन, ये हो गया वन, क्यूब रूट ऑफ एट, ये किस तरह हो गया यानी एट पावर वन ओवर थ्री, एट को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू पावर वन ओवर थ्री, टू क्यूब पावर वन ओवर थ्री, टू थ्री मल्टीप्लाई वन ओवर थ्री, थ्री थ्री कैंसल तो इससे टू आंसर आता है, ठीक है। इस तरीके से ये है ट्वेंटी सेवन थर्ड रूट क्यूब रूट, ये किस तरह होता है, ये होता है ट्वेंटी सेवन रेस टू द पावर वन ओवर थ्री, ट्वेंटी सेवन को हम थ्री दफा थ्री से मल्टीप्लाई कर ले तो थ्री पावर वन ओवर थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री पावर वन ओवर थ्री, क्योंकि दो पावर्स दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो थ्री ओवर थ्री आप काट ले तो थ्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा इसका है 64 क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 64, अब 64 को हम लिख सकते हैं इस तरह 64 पावर 1 ओवर 3, 64 को हम तीन दफ़ा 4 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस तरह, तो इन तीनों को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं और फिर 4 पावर 3 पावर 1 ओवर 3, 3 3 कैंसिल 4 इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा ये जो है फिर 125 थर्ड रूट,
125 cube root. So 125 power 1 over 3, ये 5 का 3 दफ़ा मल्टीप्लाई है, 1 over 5. अच्छा, ये अब इसको हम 5 power 3 लिख सकते हैं, 1 over 3, 5 power 3 मल्टीप्लाई 1 over 3, 3 और 3 कैंसिल कर ले तो 5 इसका आंसर है। इस तरीके पर 216 क्यूब रूट्स, तो 216 पावर 1 over 3, 216 जो है ये 6 का 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 6 power 3 1 over 3, 3 multiply 1 over 3, 3 कैंसिल तो 6 इसका आंसर बनता है। ओके जी, अब जो है ना फोर्थ रूट्स 1/4, तो ये तो हो गया 1 के ऊपर जो भी पावर आता है तो उससे तो 1 ही आता है। 16 का फोर्थ रूट, 16 का फोर्थ रूट है 16 power 1/4, ठीक है। तो अब 16 का 1/4 जो है वो किस तरह है, 16 को हमने 4 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1/4। अब 2 power 4 लिख सकते हैं और 1/4, 2 power 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 कट तो इससे 2 आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है 81, फोर्थ रूट ऑफ 81, इसमें 81 पावर 1/4 है, 81 4 दफ़ा हम 3 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 81 आता है। 4 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करने को हम लिख सकते हैं 3 power 4 और होल पावर 1/4, 3 power 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 कैंसिल, 3 इसका आंसर है। ओके जी, इसके बाद 256, फोर्थ रूट ऑफ 256, सो इसका है 256 पावर 1/4, 256 जो है वो 4 का 4 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन है, सो 1/4, ये जो है 4 power 4 1/4, 4 power 4 1/4, 4 कैंसिल, 4 इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है 625, फोर्थ रूट ऑफ 625, इसका है 625 raised to power 1/4, 625 जो है ये 5 का 4 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन है, पावर 1/4, 5 power 4 होल पावर 1/4, 4 1/4, 4 कैंसिल, 5 इसका आंसर। एंड द लास्ट वन जो है ये 1296, फोर्थ रूट ऑफ 1296, 1296 पावर 1/4। अच्छा, ये 1296, ये 6 का 4 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन है और 1/4 है, तो 6 power 4 1/4, 6 power 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 कैंसिल, 6 इसका आंसर है। अभी इसका एग्जांपल
एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू 16 स्क्वेयर रूट। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसको अगर अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्योंकि ये स्क्वेयर रूट हम क्यों लेते हैं, हमारे पास एक्स जो है ये स्क्वेयर की हालत में है और हमें एक्स चाहिए अकेला किसी भी चीज़ के बगैर, तो स्क्वेयर को हटाने के लिए स्क्वेयर रूट लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर ख़त्म होता है। तो जब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेते हैं तो 16 का भी स्क्वेयर रूट लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर तो कैसे हो जाएगा, एक्स आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वेयर रूट जो है यानी 4 4 16, इन दोनों 4 से एक 4 लेते हैं तो इसका एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। इसमें प्लस 4 और माइनस 4 दोनों आ सकते हैं जबकि ये दूसरा पोर्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 16 स्क्वेयर रूट का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 4 ओनली, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 4 है यानी प्लस 4 है माइनस 4 नहीं है, और इसका मतलब जो है दोनों है, प्लस 4 भी है और माइनस 4 भी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ अब ये जो है रेडिकल्स का एक दूसरा फॉर्म है, ए पावर एम ओवर एन इज इक्वल टू एन ए पावर एम, और इसका दूसरा शेप है एन स्क्वेयर रूट ए और होल पावर एम, ठीक है। अब इन तीनों का एक ही मकसद है, यानी इसका मतलब ये है कि एम, ये जो आप इसको देखें ना एन स्क्वेयर रूट ए पावर एम, तो ये ए पावर एम होल पावर वन ओवर एन हो गया, सो ए पावर एम मल्टीप्लाई वन ओवर एन ए पावर एम ओवर एन, ये वाला इससे आ गया, ठीक है। अब इसको आप देख ले इस वाले को, तो एन स्क्वेयर रूट ए होल पावर एम, सो ये ए जो है ए स्क्वेयर रूट, इसका मतलब ये है ए पावर वन ओवर एन पावर एम, सो ए इज इक्वल टू वन ओवर एन मल्टीप्लाई एम, सो ए इज इक्वल टू एम ओवर एन। ये तरीका एग्जांपल्स का दूसरा तरीका है, ठीक है। अब इन जो मेथड्स जो प्रोसीजर्स हमने पढ़े हैं इस पर एग्जांपल्स हमने करने हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 6 को आप देख ले, थर्ड रूट ऑफ 64
थर्ड रूट ऑफ 64 जो है इसको हम थर्ड रूट आप 4 लिख सकते हैं, तो इसको थर्ड रूट ऑफ 4 क्यूब लिख सकते हैं। सो इसको 4 क्यूब 1/4 लिख सकते हैं। ओके, तो 4 क्यूब 1/4 रेस्ट टू पावर 3 पावर 4 ले सकते हैं। 3 1/4 4 क्यूब 3 पावर 4। या 4 क्यूब, सॉरी 1/3 है ये, 4 क्यूब 1/3 3 कैंसिल, तो 4 इसका आंसर है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 7 जो है, एग्जांपल 7 जो है थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ -64। तो अब ये होगा थर्ड रूट, ये -4 का क्यूब है 64 जो है, तो थर्ड रूट जो है -4 पावर क्यूब होल पावर 1/3। सो -4 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसल, -4 इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल नंबर 7, नंबर 8, सॉरी, एग्जांपल नंबर 8 सिंप्लीफाई 6x square root 6y square root। अब दो रूट्स के दरमियान जब मल्टीप्लाई हो तो वो सारा हम एक रूट में जमा कर सकते हैं इस तरह, 6x multiply 6y square and the 1 square root। अब 6 multiply 6 multiply y square multiply x, इस तरतीब से जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि दो दो पेयर्स हम इक्वेट करते हैं, तो 6 multiply 6 y multiply y multiply x square root। अब दो दो चीज़ों से एक एक चीज़ निकालना है, मैंने बताया था कि पेयर से एक चीज़ लेना है ना, तो 2 6 है तो x 6 लेना है, 2 y से 1 y लेना है, और x तो ख़ुद भी अकेला है, तो ये दो जो होते हैं ना ये रूट से निकल जाते हैं और एक जो है ये रूट से नहीं निकलता, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 जो है वो सिंप्लीफाई 2 square root 150 xy divided by 3x। अच्छा, पहले तो इस तरह करते हैं ना कि इस 150 xy over 3x स्क्वायर रूट के अंदर हम प्लस माइनस कट, 350 are 150 और x कैंसिल, सो 250y स्क्वायर रूट ये रह गया। ओके, 250y स्क्वायर रूट, तो अब 2 तो अपनी जगह पर है ना, 50 को हम 25 2 50 और y इस तरह करते हैं। ये क्यों करते हैं, अब 225 जो है ये 5 multiply 5 है multiply 2y है, तो 2 इससे 5 निकलेगा और 2y जो है वो रूट के अंदर होगा, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 10 2 5 are 10 square root 2y। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा।